भगवान बुद्ध के बहुत सारे नाम हैं और एक नाम उनका सबसे कमाल का है जिसको बोलते हैं भगवान। दरअसल भगवान जो शब्द है इसको पूरा जो बोलते हैं ये है भग्नवान। भग्नवान का मतलब होता है कि तृष्णा को भग्न करने वाले, तृष्णा को भग्न करने वाले को भग्नवान बोलते हैं और उस व्यक्ति को शॉर्ट में भंगी बोलते हैं, यानी जिसने भंग ज्ञान प्राप्त किया, जिसने तृष्णा को भंग किया उसको भंगी बोलते हैं। तो ये भंगी वाला जो पार्ट है और जो ये भंगी बोला जाता है ये भगवान बुद्ध को ही भंगी बोला जाता है क्योंकि भग्न ज्ञानी और भग्न ज्ञान उनको प्राप्त हुआ। उन्होंने क्या भग्न किया और क्यों उनको भंगी बोलते हैं ये एक बड़ी मज़ेदार सी बात है। बेसिकली जब वो भगवान बुद्ध जब अध्ययन कर रहे थे और उनको ज्ञान प्राप्त होने वाला था वैशाख पूर्णिमा को, उस समय उन्होंने अपने शरीर के सारे सेल्स, शरीर के सारे टुकड़े, शरीर के सारे पदार्थ, शरीर के सारे अणु, शरीर के सारे परमाणुओं को भंग किया। भंग का मतलब है विखंडित किया, डिजॉल्व किया, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा। और तोड़ने के बाद उन्होंने ये देखा कि शरीर के सारे परमाणु और अणु कैसे एक दूसरे से चिपक के काम करते हैं। तो उन्होंने ये पाया कि अरे ये तो तरंगे ही तरंगे हैं। वो जो पहला भंग ज्ञान प्राप्त किया तो भंग ज्ञान प्राप्त करने वाले को भंगी या भग्नवान बोलते हैं। भग्नवान का बाद में भगवा पाली में बोलते हैं और भगवान जो भग्नवान बताया बाद में, इसलिए भगवान बुद्ध पहले भंगी हैं और जिन्होंने भी बाद में इसको ज्ञान को प्राप्त किया वो सारे ज्ञानी सबसे पहले भंगी होते हैं। जिन्होंने चीवर लिया, जो चीवर पहनते हैं वो चीवर को चादर बोलते हैं, वो सारे चीवर उस समय के चीवर आज के सारे चमार कहलाए जाते हैं। चमार शब्द चीवर की उत्पत्ति है, चीवर से बना है, क्योंकि आपने देखा होगा कि जितना भी चीवर हम किसी को देते हैं या चीवर लेते हैं उससे एक विशेष प्रकार का सम्मान उनको मिलता है। चीवरधारी सारे के सारे लोग उनके शिक्षक होते थे। पाली भाषा के अंदर चीवर जो शब्द आता है अचानक वो ख़त्म हो जाता है और चादर शब्द आता है, ये इस बात का है। और ये ओशो ने भी बताया है कि सारे चीवर वाले जितने लोग हैं वो सारे आज के चमार या भारत के जितने चादर वाले लोग हैं जिनको चौधरी बोलते हैं वो सब उनके शिष्य रहे हैं। धन्यवाद। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।